हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैं हूं डॉक्टर आशीष और आज हम देखने वाले हैं अपना जो प्रीवियस टॉपिक था फाइव क्वेश्चन फाइव कॉन्सेप्ट उनको मैं आगे फॉरवर्ड लेके जा रहा हूं इकोलॉजी का पार्ट हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था या प्रीवियस लेक्चर में देखा था आज का जो टॉपिक रहने वाला है उसमें पॉपुलेशन इकोलॉजी का हम पार्ट देखने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉपुलेशन इकोलॉजी का जिसमें मेनली आज की क्लास में हम पॉपुलेशन uh, ग्रोथ का पार्ट जो है वो कवर करने वाले हैं वहां से कुछ क्वेश्चन उठाए हैं मैंने पॉपुलेशन इकोलॉजी से साथ में एक दो क्वेश्चन और उठाए हैं जो लॉजिकली लॉजिकली बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ पैरामिड बेस्ड क्वेश्चन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखो ये इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स से ये क्वेश्चन जो है वो है पॉपुलेशन जेनेटिक्स का पॉपुलेशन इकोलॉजी पॉपुलेशन इकोलॉजी जेनेटिक्स नहीं, नहींकोलॉजी ये पॉपुलेशन इकोलॉजी का क्वेश्चन है चलिए लेकिन इसको कवर करने से पहले इसको पढ़ने से पहले हमें देखना पड़ेगा पॉपुलेशन ग्रोथ ये पॉपुलेशन इकोलॉजी से टॉपिक है और स्पेसिफाइड में करूं तो पॉपुलेशन ग्रोथ का पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड यह टॉपिक है और पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो पॉपुलेशन दो तरह से ग्रो करती है एक तो होती है जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करती है और एक कौन सी जो कैसी लॉजिस्टिक ग्रोथ शो करती है चलिए हम देखते हैं पॉपुलेशन के बारे में देखो पॉपुलेशन ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ मैं यहां पर बहुत ज्यादा डीप में डिस्कस नहीं करूंगा इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप कैसे उसको कवर करेंगे तो यहां से पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में हम देखेंगे कि पॉपुलेशन किस तरह से ग्रो करती है क्योंकि हमें आ, इसके बेसिस पे समझना है तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है क्या होता है एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉपुलेशन जो है वो लॉजिस्टिकली ग्रो करेगी इस तरह से ठीक है ये क्या है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दो एक्सिस हो गए एंड वाई एक्सिस यहां पर हम लिखेंगे टाइम और यहां पर लिखेंगे एन एन फोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एन फोर एन मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल और यहां पर क्या है यहां पर है टाइम तो हम इसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो हमें जो यहां पर जो कर्व मिलेगा वो हमें मिलेगा जे शेप्ड कर्व एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाले केस में हमें जो कर्व मिलता है वो मिलता है जे शेप्ड कर्व जे शेप्ड कर्व मिलता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ओके okay? और इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि चेंज इन पॉपुलेशन और चेंज इन पॉपुलेशन होता है डी एन बाय डी टी चेंज इन पॉपुलेशन होता है डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन कि पॉपुलेशन में चेंज होगा तो उसको कैसे हम बताएंगे उसके लिए फॉर्मूला है डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू चेंज इन द पॉपुलेशन चेंज इन द पॉपुलेशन पॉपुलेशन में चेंज कितना हुआ कैसे हुआ और आर यहां पर होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ यहां पर क्या होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ Rate of और rate of क्या होता है कि किसी इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी पर्टिकुलर कंडीशन उसको क्या बोलेंगे इंट्रेंसिक ग्रोथ की वो किस तरह की ग्रोथ शो कर रहे हैं और किस तरह का वो रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं अब एक और आता है हमारे पास जिसका नाम क्या होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ लॉजिस्टिक ग्रोथ पॉपुलेशन में जो ग्रोथ होती है पॉपुलेशन जो ग्रोथ करते हैं वो दो तरह से करते हैं एक तो क्या लॉजिस्टिक ग्रोथ और दूसरा क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होगा हमें यहां पर जो कर्व मिलेगा वो मिलेगा एस शेप कर्व ये क्या है इधर इधर है टाइम ये क्या है इधर एन नंबर ऑफ इंडिविजुअल और हमें जो कर्व मिलता है वो मिलता है कुछ इस तरह का एस शेप कर्व देखने को मिलता है पॉपुलेशन क्या हुआ पॉपुलेशन राइज करना शुरू किया इस तरह से ठीक है और एक स्टडी रेट के ऊपर वो राइज करना शुरू किया हमें यहां अलग अलग फेज देखने को मिलती है इसमें हमें ग्रोथ की अलग अलग फेज देखने को मिलती है इस तरह की ग्रोथ में ठीक है इस तरह और स्टेप पॉपुलेशन का साइज स्टेबल हो जाता है कहां पर K के ऊपर और के को बोला जाता है कैरिंग कैपेसिटी यहां हमें जो शेप मिलता है वो मिलता है एस शेप्ड कर्व शेप्ड कर्व हमें यहां पर शेप्ड कर्व मिलता है लॉजिस्टिकली जो पॉपुलेशन लॉजिस्टिकली ग्रो करती है उनमें हमें शेप्ड कर्व मिलता है ये क्या है एन नंबर ऑफ इंडिविजुअल और ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो स्टेबिलाईज हो जाते हैं कहां पर के कैरिंग कैपेसिटी पे इस पे कैरिंग कैपेसिटी पे आके मतलब ये पर्टिकुलर एनवायरमेंट जो है जहां पर ये पॉपुलेशन परजेंट है वो एनवायरमेंट इस स्पीसीज के कितने नंबर इस स्पीसीज के कितने इंडिविजुअल्स को एक अनलिमिटेड टाइम के लिए फूड या रिसोर्सेज सप्लाई कर सकता है समझ में आई कि एक पर्टिकुलर एरिया है मान के चलो कि एक पर्टिकुलर एरिया है किलोमीटर का एरिया है वो वो दस टाइगर्स को या दस लोइंस को अनलिमिटेडली अनलिमिटेड टाइम के लिए वो इंडेफिनेटली टाइम के लिए वो उनको फीडिंग या फीड प्रोवाइड कर सकता है खाना प्रोवाइड कर सकता है उसको बोलेंगे कि उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है दस टाइगर की है अब यहां से हमें जो इक्वेशन मिलती है वो आती है डी एन बाई डी टी डीएन बाई डी टी इज इक्वल टू आर के माइनस एन के ठीक है डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आर एन आर एन एन इसमें भी आएगा इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के के माइनस एन बाई के और यहां पर के का मतलब क्या है कैरिंग कैपेसिटी और यहां पे आर का मतलब क्या है इंट्रिंसिक रेट कैरिंग कैपेसिटी अब एक चीज मैं यहीं से ही आपको बता देता हूं यहां पर के कैरिंग कैपेसिटी के है यहां पर आर क्या है इंट्रिंसिक रेट इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ अब वो पॉपुलेशन जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ शो करती है जो इंटेंसिक रेट ऑफ ग्रोथ जिनमें होता है और जो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करती हैं, आर मतलब ये स्पीसीज रेगुलेटेड होती हैं किसकी वजह से इंट्रेंसिक रेट ऑफ ग्रोथ की वजह से और इनमें इन पॉपुलेशंस इन में ये रेगुलेटेड रहती हैं बाय द कैरिंग कैपेसिटी के की वजह से इसलिए इन स्पीसीज को आर सिलेक्टेड स्पीसीज बोला जाता है इनको के सिलेक्टेड स्पीसीज बोला जाता है इनको आर सिलेक्टेड स्पीसीज इनको के सिलेक्टेड स्पीसीज किस बेसिस पे बोला जाता है चलिए बेसिस भी देख लेते हैं कि किस बेसिस पे इनको आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड स्पीसीज बोला जाता है और आर और के सिलेक्टेड का क्या क्या होता है उस पर भी क्वेश्चन आता है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी तो मैं एक बार इसको आपको कंप्लीटली शो कर देता हूं कि हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में किस तरह के डायग्राम्स देखने को मिलेंगे और लॉजिस्टिक ग्रोथ में किस तरह के डायग्राम्स देखने को मिलेंगे क्योंकि वहां पे ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं चलिए ये देखो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक कर्व कर्व के जो भी अलग अलग फॉर्म है उसके बारे में है तो हम हमें यहां पर ये क्या है लॉजिस्टिक कर्व डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक कर्व लॉजिस्टिक कर्व डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑफ एक्सपोनेशियल ग्रोथ कर्व तो ये वाले जो पॉपुलेशन है ये क्या कर रही है ये लॉजिस्टिकली ग्रो कर रहे हैं डीज आर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ये हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है और ये हमारे पास क्या है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व देखो अभी मैंने बताया कि एक्स एक्सिस पे है टाइम टी और वाई एक्सिस पे है एन पॉपुलेशन साइज पॉपुलेशन साइज और हमें यहां क्या देखने को मिल रहा है हमें देखने को मिल रहा है ये है के फॉर कैरिंग कैपेसिटी यहां पर है के फॉर कैरिंग कैपेसिटी उसके अलावा हमें यह एस शेप कर्व देखने को मिल रहा है एस शेप एस शेप्ड कर्व देखने को मिल रहा है हमें यहां पर एस शेप्ड कर्व ओके और ये कौन सी पॉपुलेशन है जो लॉजिस्टिक ग्रोथ शो करती है? और दूसरा एक और डायग्राम देखो दूसरा एक और कर्व देखो जिसमें क्या है Y एक्सिस पे क्या है dN एन बाई डी टी वाई एक्सिस पे क्या है dN एन बाई डी टी और X एक्सिस पे क्या है X एक्सिस पे यहां पर दिया गया है N और यहां दिया गया है K. जितनी कैरिंग कैपेसिटी है उतने इंडिविजुअल यहां पर कैरिंग कैपेसिटी बाई टू क्या शो कर रहा है ये शो कर रहा है देखो ये क्या शो कर रहे हैं ये पॉपुलेशन के अंदर चेंज हुआ पॉपुलेशन ग्रोथ हुई और मैक्सिमम ग्रोथ जो है या मैक्सिमम चेंज है या मैक्सिमम कब मैक्सिमम uh, जो चेंज इन पॉपुलेशन है मैक्सिमम चेंज इन पॉपुलेशन कब हुआ जब यहां पर वैल्यू के बाई टू है कैरिंग कैपेसिटी से हाफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल है मतलब कि अगर ये के की वैल्यू के की वैल्यू दस लोइन है मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं एक दस लोइन की कैरिंग कैपेसिटी है दस लोइन की वैल्यू है तो मैक्सिमम चेंज इन पॉपुलेशन या इनका साइज मैक्सिमम कब होगा जब इस एरिया में पांच लोइन होंगे इस एरिया में जब पांच लोइन होंगे तब क्या होगा उसका पॉपुलेशन साइज मैक्सिमम ग्रो करेगा ये बिल्कुल फ्रीक्वेंटली ग्रो कर रहा है तो यहां पर के बाई टू मतलब पांच लोइन यहां पर पांच लोइन है या फिर यहां पर पांच लोइन है उस टाइम पर ये जो है चेंज इन पॉपुलेशन या मैक्सिमम ग्रोथ शो करेगा यहां पर ये क्या शो कर रहा है यहां पर ये मैक्सिमम ग्रोथ शो कर रहा है मैक्सिमम ग्रोथ और ये यहां पर यहां से इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल फेज जैसे लैग फेज लॉग फेज होता है ना उस तरह से वो शो कर रहा है अब आते हैं हमारी एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन पे यहां पर है क्या एंटी और यहां पर क्या है टाइम यहां पर है टाइम ये हमें क्या मिला जे शेप्ड कर्व जे शेप्ड कर्व यहां जे शेप्ड कर्व मिलता है और अगर और अगर हम इसको ठीक है अगर हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में देखते हैं तो हमें किस तरह का ग्राफ मिलता है हमें हम इसको अगर इस फॉर्म में देखते हैं इंटीग्रल फॉर्म में देखते हैं तो ये वाला जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना ये वाला ये भी इसी का ही है ठीक है ये वाला जो डायग्राम है वो भी किस ग्रोथ का है वो भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का है दिस डायग्राम इज आल्सो ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ही हमारे पास क्या है ये ग्राफ है ओके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्या है ग्राफ है यहां पर ये यह भी और ये इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो आती है यहां पर हमें जो इक्वेशन मिलती है वो मिलती है एन टी इज इक्वल टू यहां पर मैं एक इक्वेशन लिख रहा लिख दे रहा हूं एन टी इज इक्वल टू एन नोट इंटूआर एन टी इज इक्वल टू एन नोट इंटूआर टी ओके यहां पर हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के केस में एक दूसरी इक्वेशन दे दी गई तो वो दूसरी इक्वेशन ये हो गई ये इक्वेशन अगर एग्जाम में आई तो ये किसकी है ये अगर एग्जाम में आई तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की है ये किसकी है ये इक्वेशन भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ही इक्वेशन है ये अगर ये इक्वेशन आई तो वो या तो इक्वेशन पूछेगा या ये सब चीजें पूछेगा एन टी मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट टाइम टी एन नोट का मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट टाइम जीरो जीरो टाइम पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या आता टी टाइम पे इंडिविजुअल का नंबर क्या है आर जो है वो इंट्रेंसिक रेट ऑफ ग्रोथ है और इज द बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिथम इज इक्वल टू बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिथम ठीक है ये हो गया मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये भी इक्वेशन आ जाए तो भी वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ही इक्वेशन रहने वाली है ठीक है वो भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ही इक्वेशन रहने वाली है चलो अब आगे ठीक है इसको हटा देना भाई ये नहीं है ठीक है इसको कैंसिल कर देना ये वाला नहीं है चलो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और हम ये देखते हैं कि जो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर शो करती है या उनको क्या बोलते हैं और जो किस तरह का ग्रोथ कर्व शो करती है उनको क्या बोलते हैं तो आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर सिलेक्शन ये पॉपुलेशन जो है वो 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 किस तरह का ग्रोथ शो करती है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करती है ये पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करती है आर सिलेक्शन वाले या जो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करती है उनको बोला जाता है आर सेलेक्टेड स्पीशीज, आर सेलेक्टेड स्पीशीज। और जो लॉजिस्टिक ग्रोथ शो करती हैं, उनको क्या बोला जाता है लॉजिस्टिक ग्रोथ या वो कंट्रोल रहती हैं किससे के, के जो के है कैरिंग कैपेसिटी उससे और इनके लिए बोला जाता है आर सेलेक्शन एंड के सेलेक्शन आर सेलेक्टेड स्पीसीज या के सलेक्टेड स्पीसीज करैक्टरिस्टिक्स क्या है क्लाइमेट अनप्रेडिक्टेबल और इनका क्लाइमेट जो है प्रेडिक्टेबल पॉपुलेशन साइज वेरिएबल इन टाइम इनका पॉपुलेशन साइज वेरी करता है इनका पॉपुलेशन जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है सिलेक्शन फेवर ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रैपिड डेवलपमेंट शो करती है अर्ली रिप्रोडक्शन शो करती है बॉडी साइज स्मॉल होता है और नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग बहुत ज्यादा होती है नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बहुत ज्यादा होती है लेंथ ऑफ लाइफ लाइफ टाइम अभी क्या बोला हमने जो इनका लाइफ का साइज है वो कैसा है छोटा है और ये बिल्कुल अपोजिट चीजें हैं ये स्लो डेवलपमेंट शो करते हैं रिप्रोडक्शन डिले होता है लार्ज बॉडी साइज होती है फ्यू ऑफस्प्रिंग होते हैं और क्या है यहां पर स्टेज ऑफ सक्सेशन अर्ली लीड्स टू प्रोडक्टिविटी ये एफिशिएंसी मैं एक चीज और भी यहां पे मेंशन uh, कर देते हैं स्मॉल बॉडी साइज मैनी स्प्रिंग फ्यू ऑफ स्प्रिंग लार्ज बॉडी साइज डिले रिप्रोडक्शन एंड स्लो डेवलपमेंट ये पेरेंटल केयर शो नहीं करती ये शो करती है पेरेंटल केयर दे शोज पेरेंटल केयर पेरेंटल केयर तो ये वाले जो हैं वो पेरेंटल केयर भी शो करती हैं ये वाली स्पीसीज के सेलेक्टेड स्पीसीज क्योंकि लॉजिस्टिक ग्रोथ भी शो करती हैं तो ये कुछ पॉइंट्स थे के सिलेक्शन और आर सिलेक्शन के बारे में इनमें चलो अब हम क्या करते हैं अब अपने टॉपिक पे आते हैं और क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं और हम क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं अमंग द फॉलोइंग विच फॉलोज द पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न अकॉर्डिंग टू इक्वेशन डी एन बाई इज इक्वल टू आर एन ये किसको डिनोट करता है ये डिनोट करता है किसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो करता है और उसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है वो ग्राफ बनता है उसका जे शेप का ग्राफ जे शेप ग्राफ जे शेप ग्राफ तो यहां पर हम जे शेप ग्राफ देखेंगे वो हमें ये मिलता है सिंपल सी बात है और इस साइड में क्या है इस साइड में है टाइम और इस साइड में क्या है एन नंबर ऑफ इंडिविजुअल टाइम के में तो ये जो है इक्वेशन ये है हमारे पास या एक्सपोनेंशियल जो मतलब बिल्कुल बहुत तेजी से ग्रो करती हैं उन पॉपुलेशन की बात हो रही है यहां पर चलिए एक और क्वेश्चन देखिए इसका जो आंसर आएगा वो है बी आंसर क्या है इसका बी तो इसका आंसर जो है वो है बी ये सिंपल सा था चलो आगे चलो ये देखो ये देखो द फॉलोइंग ग्राफ इज फॉर द लॉजिस्टिकली ग्रोइंग पॉपुलेशन ठीक है ये ग्राफ जो है वो किसके लिए है लॉजिस्टिकली ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए है ओके विद एन टी प्लोटेड ऑन द एक्सिस एक्स एक्सिस व्हाट इज द पैरामीटर प्लोटेड ऑन द वाई एक्सिस अगर हम यहां पर बात करें या इस तरह के ग्राफ की बात करें तो पीछे चलो तो पीछे चलो कहा गया हम्म ये रहा ये हमने ग्राफ देखा था ठीक है ये हमने ग्राफ देखा था और यहाँ पे एन भी लिखा है यहां लिखा था एन और ये एक हाफ वैल्यू क्या है के बाई टू की और इस वाई एक्सिस पे क्या है वाई एक्सिस पे है डी एन बाई डी टी और पॉपुलेशन कौन सी है जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर शो करती है जो लॉजिस्टिकली ग्रो कर रही है वो पॉपुलेशन है तो इसके क्या आ जाएगा है? चलो देखो तो भाई आंसर में क्या आएगा चलो 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 अगर मैं यहां बात करूं तो ये यह यहां है, यहां है, यहां के बाई टू है ठीक है और यहां पूरा है के और यहां पे एन भी लिखा है यहाँ क्या लिखा है एन लिखा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स तो अगर मान के चलो कि के पांच सौ है यहां पर के पांच सौ है तो एन जो है वो भी क्या होगी एन जो है वो पांच सौ होगा के पांच सौ है तो एन भी पांच सौ होगा इस तरह, इस पीरियड पर जहां पर डीएन बाई डी टी यहां पर क्या आएगा यहाँ आएगा डीएन बाई डी टी चेंज इन द पॉपुलेशन साइज पॉपुलेशन साइज में कितना चेंज हो रहा है पॉपुलेशन के बारे में पता चल गया कि पॉपुलेशन कैसी है पॉपुलेशन लॉजिस्टिकली ग्रो करती है पॉपुलेशन लॉजिस्टिकली ग्रो करती है तो इसमें आंसर में क्या आएगा डीएन बाई डी टी सिंपल सी बात है ये जो ए है ये इसका आंसर होगा डी एन बाई डी टी डीएन बाई डी टी तो इसको देख के कंफ्यूज मत होना कि यहां एन लिखा है कि क्या लिखा है यहां वो, के यहां पर वो के भी लिख के दे सकता है लिखेगा यहां के टू लिखेगा बाय लेकिन यहां पर क्या रहेगा एन यहां पर क्या रहेगा? एन, अब ये देखो इन द फॉलोइंग एक तो ये हो गई एन बाई डी टीवल टू आर एन तो ये कैसी पॉपुलेशन है ये है एक्सपोनेंशियल ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करती है ये पॉपुलेशन ठीक है अब ये आओ डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस ये पॉपुलेशन कैसे अपनी ये लॉजिस्टिक ग्रोथ शो कर रही है लॉजिस्टिक ग्रोथ और अगर आपको याद है एन टीवल टू एन नोट ई आर टी ये हमने कहा हमने देखा था वो पॉपुलेशन जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो कर रही है यहां पर ये भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करेगी ये वाली पॉपुलेशन तो इसने क्या पूछा है कि एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ इज डिस्क्राइब्ड बाय इनमें से कौन सी कौन कौन सी आ, ये क्या है कौन सी क्वेश्चन है जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को डिस्क्राइब करती है तो हमने यहां बता दिया कि ए और बी जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को डिस्क्राइब करती है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा ए आंसर इज ए दोनों इस ग्रोथ को शो कर रही है हमने तीन क्वेश्चन देख लिए इसके अब आओ देखो के सिलेक्शन कंपेयर टू के सिलेक्शन आर सिलेक्शन फेवर्स इसने क्या पूछा है कि कंपेयर टू के सिलेक्शन आर सिलेक्शन इनमें से कौन सा फेवर करता है तो अभी हमने बताया कि आर सिलेक्शन का बॉडी साइज जो है वो कैसा होता है बॉडी साइज छोटा होता है बॉडी स्मॉल बॉडी क्या होती है स्मॉल अर्ली डेवलपमेंट इनका डेवलपमेंट जो है वो कैसा होता है अर्ली डेवलपमेंट होता है रिप्रोडक्शन वो भी अर्ली होता है रिप्रोडक्शन कैसा होता है अर्ली होता है नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड एक बार में इनका नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग भी क्या होता है प्रोड्यूस होता है अर्ली डेवलपमेंट या फिर रैपिड डेवलपमेंट या फिर रैपिड डेवलपमेंट ये देखो अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि कंपेयर टू के सिलेक्शन आर सिलेक्शन इनमें से कौन सा फेवर करता है तो पहली बात तो रैपिड डेवलपमेंट यस ये फेवर करता है स्मॉल बॉडी स्मॉलर बॉडी साइज ये भी फेवर करता है अर्ली सेमलपेरस रिप्रोडक्शन ठीक है क्या अर्ली सेमल पेरस रिप्रोडक्शन अब ये सेमलपेरस रिप्रोडक्शन कहां से आ गया और सेमल पेरस रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा सेमल पेरस जो है एक होता है सेमल पेरस और एक होता है इटेरो पेरस ये क्या होता है इटेरो पेरस तो इनमें से कौन सी पॉपुलेशन जो है वो क्या शो करती है उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा या बताना पड़ेगा लेकिन अगर आपको या और के बारे में नहीं पता तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा का मतलब होता है सिंगल रिप्रोडक्शन एस से सिंगल एस का मतलब सिंगल और एस का मतलब सेमल पेरिटी सेमल पेरिटी सिंगल रिप्रोडक्शन तो सिंगल रिप्रोडक्शन कौन शो करता है सिंगल रिप्रोडक्शन एस का मतलब सिंगल रिप्रोडक्शन uh, और एस का मतलब सेमल पेरिटी तो ये क्या करती हैं इनका लाइफ स्पेन छोटा होता है तो ये एक बारी रिप्रोडक्शन करके इनकी डेथ हो जाती है और ये जो टर्म है इटेरोपेरस इटेरोपेरस मतलब वो लाइफ टाइम में मल्टीपल रिप्रोडक्टिव इवेंट शो करती है ठीक है इटेरोपेरस जो है ये क्या है ये है मल्टीपल रिप्रोडक्शन ये है अपने पास मल्टीपल रिप्रोडक्शन मल्टीपल रिप्रोडक्शन शो करती हैं ये वाली कौन सी इटेरोपेरस

प्रोड्यूस करते हैं एक बार रिप्रोडक्शन जरूर करते हैं लेकिन नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग बहुत ज्यादा तो इसमें ये भी क्लिक दो ऑफ ऑफ स्प्रिंग बहुत ज्यादा ऑफ ऑफ स्प्रिंग जो है यहां पर वो काफी ज्यादा होते हैं इसमें इसमें आर सिलेक्शन में तो पेरस। पहली बात तो इसको फॉलो नहीं करते हमने क्या बोला कंपेयर टू के सिलेक्शन आर सिलेक्शन फेवर तो आर सिलेक्शन इटेरोपेरिटी फॉलो नहीं करती है तो यहां से यह पॉइंट जो है वो गलत हो गया स्लो डेवलपमेंट लार्जर बॉडी साइज आर स्पीसीज का लार्जर बॉडी साइज नहीं होता स्मॉलर होता है यहां ये गलत हो गया लेट इटेस ये भी नहीं होता यहां ये भी पॉइंट गलत हो गया यहां पर स्लो डेवलपमेंट ये स्लो डेवलपमेंट नहीं होता फास्ट डेवलपमेंट होता smaller body size, है स्मॉलर बॉडी साइज ये ठीक है एंड लेट इटेस ये भी गलत है इटेरोपेरस आएगा ही नहीं तो यहां पर सबसे स्टिक पॉइंट स्टिक पॉइंट कौन सा है ए ये है इसका आंसर रैपिड डेवलपमेंट सही है स्मॉलर बॉडी साइज सही है एंड अर्ली सेमल पैरस रिप्रोडक्शन या करते हैं ये ओके वॉट इट चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं ये डायग्राम देखो भाई पॉपुलेशन का है ये पॉपुलेशन में और पॉपुले इसमें हम क्या देखते हैं इसमें हम देखते हैं ये रिलेशनशिप uh, है बिटवीन बर्थ एंड डेथ इसमें तीन फेज होती है पॉपुलेशन के अंदर एक तो क्या होते प्री रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं और एक फेज होती है रिप्रोडक्टिव एक फेज क्या होती है रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन जो है वो करते हैं और एक होती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज तो तीन तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं एक पॉपुलेशन में जिसमें से पहला क्या है पहला है प्री रिप्रोडक्टिव दूसरा है रिप्रोडक्टिव और तीसरा पोस्ट रिप्रोडक्टिव ये रिप्रोडक्शन अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन पहले किसी टाइम पे रिप्रोडक्शन ये किया करते थे ओके और सबसे बेस पे होता है क्या प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं प्री रिप्रोडक्टिव जिन्होंने अभी रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया है सेकेंड पे होते हैं रिप्रोडक्टिव सेकेंड पे क्या होता है रिप्रोडक्टिव और लास्ट पे होते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव पोस्ट रिप्रोडक्टिव अगर किसी ग्राफ में इस तरह से इंडिविजुअल्स हैं अगर किसी ग्राफ में इस तरह से इंडिविजुअल्स हैं और जो क्या बना रहे हैं एक तरह से पैरा तो इस तरह की पॉपुलेशन को बोलते हैं ग्रोइंग पॉपुलेशन इसको क्या बोलेंगे ग्रोइंग पॉपुलेशन इस तरह की पॉपुलेशन को क्या बोलेंगे ग्रोइंग पॉपुलेशन बोलेंगे एक तो ये केस आ गया दूसरा केस ये है इसमें यहां से दूसरा केस क्या है चलो देखो दूसरा केस क्या है भाई हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं ये है हमारे पास रिप्रोडक्टिव फेज के ये क्या है रिप्रोडक्टिव फेज के इंडिविजुअल्स और ये हमारे पास क्या है प्री रिप्रोडक्टिव फेज के प्री रिप्रोडक्टिव फेज के और ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये हमारे पास क्या है पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर कम है एज कंपेयर टू पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज ओके ये बात समझ में आ गई कि प्री रिप्रोडक्टिव वालों का नंबर जो है वो क्या है वो कम है किसके कंपैरिजन में किसके कंपैरिजन में रिप्रोडक्टिव फेज वालों के कंपैरिजन में तो अब क्या होगा तो ग्राफ जो है वो हमें किस तरह का मिलेगा ग्राफ जो हमें मिलेगा वो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा ठीक है हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा ये ये मिल गया ग्राफ ये हमें क्या मिल गया इस तरह का ग्राफ मिल गया तो इस तरह की पॉपुलेशन को क्या बोलेंगे ये है डिक्लाइन पॉपुलेशन और एक और पॉपुलेशन होते जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव का नंबर दोनों का बराबर होता है प्री रिप्रोडक्टिव पोस्ट रिप्रोडक्टिव लेकिन इनका नंबर कम होता है प्री नहीं, ये ये है रिप्रोडक्टिव दीज आर रिप्रोडक्टिव और ये क्या है ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो इस तरह का जो हमें ग्राफ देखने को मिलता है इस इस ये ये ग्राफ इस तरह का होता है बेल शेप ग्राफ यह है बेल शेप ग्राफ दिस वन इज बेल शेप्ड ग्राफ ये कैसा है बेल शेप का ग्राफ है तो ये पॉपुलेशन है स्टेबल पॉपुलेशन दिस पॉपुलेशन इज स्टेबल पॉपुलेशन ये एक स्टेबल पॉपुलेशन है और ये क्या है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन और हमें जो 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 शेप मिला है पॉपुलेशन ग्रोथ का का जो पॉपुलेशन का जो हमें शेप मिला है इसकी ग्रोथ का वो कैसा है वो है अर्न शेप वो कैसा है अर्न शेप और अर्न शेप का मतलब क्या होता है कलश कलश की शेप का है ये अर्न शेप का मतलब कलश की शेप का है चलो इसको बना दो ऐसे गोल ये बन गया कलश ये बन गया ना कलश तो इस तरह का हमें हाँ मिलता है तो ये है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन और ये है क्या स्टेबल पॉपुलेशन जिसमें बेल शेप का कर्व मिले और जिसमें पैरामिड मिले वो क्या है ग्रोइंग पॉपुलेशन तो ये देखो ये पैरामिड जैसा दिख रहा है भाई पैरामिड जैसा दिख रहा है ये तो ये पॉपुलेशन ए जो है वो क्या है हमारे पास ग्रोइंग पॉपुलेशन है कैसी है वो ग्रोइंग ये ग्रोइंग पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन कैसी है ये है डिक्लाइन पॉपुलेशन ये भी और ये भी दोनों देखो यहां से ये देखो ये है रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स और ये है प्री रिप्रोडक्टिव और यहां पे ये देखो ये है रिप्रोडक्टिव और ये क्या है प्री रिप्रोडक्टिव ये दोनों के दोनों क्या है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ये क्या है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ये दोनों डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है ये भी और ये भी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन तो इसके बेसिस पे हमें क्या बताना है इसने मेल फीमेल वगैरह लिखा है तो हमें उस पर नहीं जाना है फिफ्टीन ईयर्स पंद्रह से पैंसठ साल के बीच के इंडिविजुअल्स ठीक है जो कि रिप्रोडक्टिव है ये प्री रिप्रोडक्टिव पंद्रह से भी पहले है. चलो बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन पैरामिड गिवन अबो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इनमें से गलत कौन सा है पॉपुलेशन बी हैज स्लोअर ग्रोथ रेट देन पॉपुलेशन ए इसकी रेट इससे कम है बिल्कुल ठीक बात है पॉपुलेशन सी हैज बर्थ रेट हाइयर देन इट्स डेथ रेट इसने बोला पॉपुलेशन सी हैज बर्थ रेट हाइयर दैन इट्स डेथ रेट चलो इसको एक मिनट के लिए छोड़ दो नीचे वाले देख लेते हैं पॉपुलेशन ए रिप्रेजेंट रेपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन तो क्या यह रेपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन शो हो रही है यस दिस इज ए रेपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन पॉपुलेशन बी हैज दाइएस्ट डेथ रेट अमंग थ्री पॉपुलेशन

ये वाला ठीक है तो इसका आंसर में जो है आएगा वो आएगा। B slower growth rate than A. ये आएगा पॉपुलेशन बी हैज स्लोअर ग्रोथ रेट देन ए ये ठीक है तो इसका आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा बी पॉपुलेशन बी हैज हाइएस्ट डेथ रेट पॉपुलेशन बी हैज हाइएस्ट डेथ रेट अमंग ऑल द थ्री पॉपुलेशन ये भी ठीक है इसने इनकरेक्ट पूछा था ना तो ये इनकरेक्ट है चलें आगे चलो ये भी देख लिया अब ये एक लॉजिकली लॉजिकल सा क्वेश्चन है ये सिर्फ एक क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है देखो इसमें आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया है इसपे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दिया है कि यहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम है यहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा है यहां पर डेथ रेट्स और बर्थ रेट की बात की है कि डेथ रेट यहां पर कम है यहां पर ज्यादा है कम से ज्यादा की तरफ हम मूव कर रहे हैं और इसने क्या किया है बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ टू स्पीसीज जिसमें से स्पीसीज एक मतलब एक है स्पीसीज वन और एक है स्पीसीज टू दो स्पीसीज एक की डेथ रेट को डी वन से लिखा है और बर्थ रेट को बी वन से लिखा है दूसरे की डेथ रेट को डी वन से लिखा है दूसरे की बर्थ रेट को बी वन से लिखा है चलिए अब आप एक चीज देखो नंबर ऑफ इंडिविजुअल एन मैं बर्थ रेट की बात कर रहा हूं जितने इंडिविजुअल्स बढ़ते जा रहे हैं इसकी बर्थ रेट घटती जा रही है ओके okay? यहां पर क्या हुआ यहां पर बर्थ रेट जो है वो घट रही है इसने क्या बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डेंसिटी डिपेंडेंट इफेक्ट ऑन बर्थ रेट एंड डेथ रेट डेंसिटी डिपेंडेंट डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल तो यहां बर्थ रेट घट रही है जैसे जैसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं तो वहां पर रेट घट रही है यहां पर बर्थ रेट जो है वो कैसी है स्टेबल मतलब ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट है स्पीसीज दो की बर्थ रेट जो है वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट है अब यहां पर देखो यहां पर देखो यहां क्या हो रहा है कि देखो डेथ रेट जैसे जैसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं डेथ रेट बढ़ती जा रही है और इस लेवल पे डेथ रेट मैक्सिमम है जैसे जैसे नंबर बढ़े वैसे वैसे डेथ रेट यहां पर यहाँ पर क्या हुआ यहां पर डेथ रेट हाईएस्ट है यहां पर देखो जैसे जैसे नंबर बढ़े इंडिविजुअल के डेथ रेट जो है वो बढ़ती चली जाएगी डेथ रेट बढ़ती चली जाएगी तो यहां पर मान के चलो कि ये पचास इंडिविजुअल्स पे डेथ रेट इतनी है और ये 80 इंडिविजुअल पर डेथ रेट इतनी है और ये मान के चलो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल 100 है दोनों की बात कर रहा हूं अब इसने पूछा है कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है विच वन इज करेक्ट हियर इनमें से कौन सा ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डेंसिटी डिपेंडेंट इफेक्ट बर्थ रेट आर डेंसिटी डिपेंडेंट इन स्पीसीज वन स्पीसीज वन में रेट डेंसिटी डिपेंडेंट है एंड डेंसिटी इंडिपेंडेंट इन स्पीसीज भी ये ठीक है ओके okay? इसने पूछा इज नॉट ट्रू ट्रू हमने बताना है डेथ रेट आर डेंसिटी डिपेंडेंट इन बोथ द स्पीसीज ये बात भी क्या है ये बात भी अपनी ठीक है कि दोनों स्पीसीज में ये डेंसिटी डिपेंडेंट है ठीक है ये दोनों स्पीसीज में डेंसिटी डिपेंडेंट है चलो अब आगे चलो

द डेंसिटी डिपेंडेंट इफेक्ट ऑन डेथ रेट आर सिमिलर इन बोथ द स्पेज इन बोथ द स्पीसीज इसमें लास्ट में लिखा है बोथ द स्पेसिज तो डेंसिटी डिपेंडेंट इफेक्ट दोनों स्पीसीज में क्या सेम है नहीं इसमें इफेक्ट ज्यादा है पचास इंडिविजुअल पे इतना डेथ रेट है इसमें अस्सी इंडिविजुअल पे तो आंसर जो है वो ये है केवल ये पॉइंट गलत है इसका आंसर आएगा डी तो आंसर क्या आएगा आंसर इज डी तो ये लॉजिकली क्वेश्चन था ये वाला लॉजिकल थिंकिंग के बेसिस पे था और इस ये कहाँ से था ये भी पॉपुलेशन जेने पॉपुलेशन इकोलॉजी का ही टॉपिक था ये भी पॉपुलेशन इकोलॉजी का टॉपिक था और ये के भी एक पॉपुलेशन इकोलॉजी का टॉपिक था तो आज की जो क्लास है वो फुल डेडिकेटेड थी पॉपुलेशन इकोलॉजी पे आप ग्राफ देख के क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोलॉजी के बेसिस पे ठीक है तो अगर आप कुछ सजेस्ट करेंगे तो हम अगले लेक्चर्स उसके अकॉर्डिंग लेके आएंगे इफ यू आर सजेस्टिंग समथिंग अगर आप सजेस्ट नहीं करेंगे तो इसमें हम लोड का वोल्टेरा मॉडल मैं इकोलॉजी का पार्ट एनिमल इसका एनिमल फिजियोलॉजी का पार्ट और एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट में या डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पार्ट में कवर करूंगा इफ यू आर सजेस्टिंग समथिंग आप कुछ सजेस्ट कर रहे हैं तो मैं इसमें उस अकॉर्डिंग पार्ट लेके आऊंगा अगर आप बताएंगे तो उस हिसाब से मैं सी एस आई आर नेट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के लिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी या फिर इवोल्यूशन या एनिमल फिजियोलॉजी से क्वेश्चन मैं आपके लिए ला सकता हूँ जस्ट आप सजेस्ट कीजिए आप बताइए कि आपको कौन सा पार्ट चाहिए अदरवाइज मैं पहले इकोलॉजी में कंप्लीट करूंगा लोट का वोल्टेरा मॉडल और नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कवर कर देंगे आ, इसके अलावा फिर हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी की तरफ जाएंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट्स को वहां से प्रॉब्लम होती है चलिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पायरेंट्स हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में और कोशिश कीजिए कि आप कुछ सजेस्ट कीजिए जो भी आपको पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है जो भी जहाँ से भी आपको क्वेश्चन चाहिए आप सजेस्ट कीजिए हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच